स्मार्ट सिटी के सांचे में शहर को ढालने का प्रयास नगर निगम कर रहा है। त्योहारी सीजन की वजह से इसकी गति में रुकावट आ गई थी, लेकिन अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। इसी बीच पुराना बस स्टैंड स्थित कॉम्प्लेक्स को लेकर नया टर्निंग पॉइंट सामने आया है, जिस पर निगम की कार्रवाई का रुख बदल गया है। स्मार्ट सिटी की भेंट चढ़ रहे पुराना बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स को लेकर व्यापारियों को राहत मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा प्राप्त लीज पर सालों से व्यापार कर रहे व्यापारियों द्वारा बकायदा निगम का किराया और सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी मुताबिक सीमांकन कर दुकानों को बेजा कब्जा घोषित कर दिया और तोड़ने का अल्टीमेटम थमा दिया। व्यापारियों ने एकजुट होकर शहर के मंत्री और कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जिस पर एक माह की मियाद के साथ नगर निगम प्रशासन अपनी बगले झांक रहा है। नगर निगम द्वारा हम लोग हर टाइम परेशान कर रहे थे, आखिरी नोटिस दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में गए जो है, और हाई कोर्ट से हमको जो है थोड़ा सा राहत मिली है। और निगम के फिर उस टाइम बीच में कलेक्टर भी आए और कमिश्नर भी आए, तो उनसे पूछा गया मतलब कि यहाँ पे क्या व्यवस्था थी। उनको बताया हम यहाँ पर कि यहाँ पर हमको दुकानें बना के यहाँ पे देना था, पहले ये उस टाइम हमको आश्वासन दिए थे। अपनी कार्यवाही में पक्षपात का आरोप झेल रहे नगर निगम प्रशासन ने ऊपरी दबाव के चलते आपाधापी में कई गलत फैसले भी लिए हैं, जिस पर निगम प्रशासन के अब हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। तेलीपारा क्षेत्र में आधी अधूरी कार्रवाई कर खुद अपनी पेट थपथपाने वाले अधिकारियों को क्षेत्र की जनता खुद न्यायालय तक ले जाने की तैयारी में नजर आ रही है। व्यक्तिगत लाभ देने की मंशा से आधा अधूरा कार्य और वैध को अवैध में बदलने वाले निगम प्रशासन पर शहर की जनता अब नजर टेढ़ी कर देखने लगी है। न्यायालय का फैसला जल्द ही स्पष्ट होगा, जिसके बाद शहर की सूरत और अधिकारियों की सीरत स्पष्ट हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सिटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा की रिपोर्ट।